हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सप्लेन एक्स चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैचेट मूवी को, और ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये पूरी सीरीज़ है। ये मूवी बहुत अंडररेटेड है, ख़ास करके इंडिया में लोग इस मूवी के बारे में बहुत कम ही जानते हैं, और ये एक स्लैशर मूवी है। सो बिना किसी वक्त गवाए लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी के स्टार्ट में हमें एक बाप और एक बेटा दिखाए जाते हैं जो एलिगेटर्स पकड़ रहे होते हैं। उनमें से बेटा टॉयलेट करने किनारे पर जाता है, और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके बाप को किसी ने बड़े बेरहमी से मार दिया है। लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाता, कुछ कर पाता, पीछे से कोई आकर सिर्फ हाथ से ही उसके दो हिस्से कर देता है। दिखाया जाता है बेन, जो अपने फ्रेंड्स के साथ एक फेस्टिवल में आया था, और वो हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट था, और उसको बुलाने की वजह से वो इस फेस्टिवल में आया था। लेकिन उस फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ थीं, जिसके देख कर उसको उसकी बहुत याद आ रही थी। उसने किसी से हॉन्टेड स्वाम के टूर के बारे में सुना था, और वो वहाँ पर जाने का प्लान बनाते हैं। के फ्रेंड्स में मार्कस, जो ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। उस शॉप पर जाते हैं जहाँ पे टूर्स करवाए जाते हैं। वहाँ का ओनर ये बताता है कि अब वो टूर्स नहीं करवाते, इसकी वजह यह है कि वहाँ जाना अलाउड नहीं है। लेकिन वो उन्हें दूसरी शॉप का एड्रेस बता देता है जो ये टूर अभी भी करवाते हैं। एड्रेस लेने के बाद वो दोनों उस शॉप पर जाते हैं। वहाँ वो एंड्रू से मिलते हैं जो ये टूर करवाता था, और वहीं पर दो मॉडल्स भी होते हैं। डॉक्टर डक के साथ स्टोर पर जा रही थी। टिकट्स लेने के बाद वो दोनों बस में बैठ जाते हैं, और वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो कि स्टोर पर जा रहे थे। एंड्रू उस बस को ड्राइव करके स्वाम्प तक ले जाता है, और वहाँ जाकर वो सब लोग बोट में बैठ जाते हैं। एंड्रू वोट स्टार्ट करके ले जा ही रहा था कि तभी कुछ दूर पर एक आदमी उन्हें चिल्ला चिल्ला कर वहाँ जाने से मना कर वो है। लोग उसे पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एंड्रू उन्हें उस स्वाम का टूर करवा रहा था, और क्योंकि वो एक हॉन्टेड टूर था तो वो साथ साथ उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। स्वाम के किनारे वहाँ एक घर दिखता है। एंड्रू बताता है कि ये घर यहाँ के अर्बन लेजेंड विक्टर क्राउली का है। कि क्राउली बहुत ज़्यादा बदसूरत था, जिसकी वजह से उसके फादर ने खुद ही उसे एक हैचेट की मदद से मार दिया था, और आज भी क्राउली अपने डैड के लिए, अपने फादर के लिए इस जंगल में रोता है। तब मैरी बेथ कहती है कि ये घर और कहानी दोनों ही फेक है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी बोट बड़े से पत्थर में फंस जाती है। सब लोग उसे निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, अचानक बारिश आने शुरू हो जाती है, और उन लोगों की इतनी कोशिश करने के बाद भी बोट वहाँ से हिलती तक नहीं है। कुछ देर बाद देखते ही देखते वो डूबने लगती है, फंस चुके थे। फिर जिम एक दरख्त पर चढ़कर किनारे तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है और एक एलिगेटर उसका पाँव पकड़ लेता है। वो हेल्प के लिए काफ़ी चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। अब मैरी बेथ एक गन निकालती है और उससे उस एलिगेटर को शूट कर देती है। फिर वो एक एक कर किनारे तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो लोग इस मुसीबत में बुरी तरह फंस चुके थे, इसलिए वो एंड्रू से उसका जवाब मांगते हैं। और फिर यहाँ पर वो एक्सपोज हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये वो कोई टूर नहीं करवाता, बल्कि कुछ पैसों की वजह से उसकी भाई ने ही उसको यहाँ भेजा है, और ये उसका दूसरा टूर है। वो कहता है कि पहला टूर तो बहुत अच्छा था, और दूसरा टूर ये है जिसमें वो फंस चुके हैं। बात को टालने के लिए वो मेरी बच्चे से पूछता है कि उसके पास गन कहाँ से आई, जिस पर वो कहती है कि वो यहाँ किसी को ढूंढने आई थी। दो रात पहले उसके फादर और उसके भाई यहाँ पर एलिगेटर्स पकड़ने आए थे, और वो घर वापस नहीं आए तो वो यहाँ उन्हें ढूंढने आई, और वो दोनों वही थे जिन्हें किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। वो कहती है जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता, और वो सब वहीं रुकना चाहते हैं। और वो कहती है कि विक्टर क्राउली का जंगल है। तब वो उन्हें उसकी असली स्टोरी नरेट करती है। विक्टर क्राउली बचपन से ही काफ़ी बदसूरत था, और इसके वजह से उसके फादर उसे सबसे छुपाकर घर में ही रखते थे। वो उसका एक लौता बच्चा था, तभी भी वो उसे बदसूरत होने की वजह से उससे प्यार करता था। बाकी बच्चे विक्टर को काफ़ी डराते थे और उसका मजाक भी बनाते थे, और यही वजह थी कि वो दोनों सिटी से दूर जंगल में रहा करते थे। और एक दिन हेलोवीन की रात, जब विक्टर का फादर घर नहीं था, तो कुछ बच्चे उसके घर जाके बाहर से उसको काफ़ी परेशान कर रहे थे। वो बच्चे पटाखे जलाकर घर के अंदर फेंक रहे थे ताकि डर कर विक्टर बाहर आ जाए।
और उन पटाखों की चिंगारी से घर के दरवाजे पर आग लग जाती है और विक्टर काउली अंदर ही फंस जाता है। और इतनी ही देर में विक्टर के फादर वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो सारे बच्चे भाग जाते हैं। उसके फादर डोर को ओपन करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और तब उसके फादर एक हैचेट लेके उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं और वो ये नहीं जानते थे कि दरवाजे की दूसरी साइड विक्टर खड़ा हुआ है। और वो दरवाजा तोड़ते हुए हैचेट सीधा उसके सर में लगता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। अपने बेटे की डेथ की वजह से उसको खो देने के बाद उसके फादर का बहुत बुरा हाल हो चुका था और वो 10 साल उसी घर में रहे और फिर एक दिन वो भी मर गए। और उसी दिन से विक्टर काउली अपने फादर को इस जंगल में ढूंढता है और जो भी उसके रास्ते के बीच में आता है वो सबको बहुत बुरी तरीके से मार देता है। पूरी कहानी सुन लेने के बाद भी कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था, बल्कि वो ये कह रही थी कि हम क्राउली का घर बहुत पीछे छोड़ा चुके हैं। तब मैरी बेथ कहती है कि वो क्राउली का असली घर नहीं था। तो फिर वो उन्हें क्राउली का असली घर दिखाती है जो बिल्कुल ठीक उनके सामने था, और रोड तक पहुँचने के लिए उन्हें क्राउली का घर पार करना पड़ेगा। चलते चलते उन्हें एक बहुत खौफनाक आवाज़ आती है और कोई भी उस घर की तरफ नहीं जाना चाहता था। लेकिन जिम की हालत ख़राब हो रही थी तब शैनन अकेले ही उसको लेकर घर की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही वो लोग घर के पास पहुंचते हैं विक्टर काउली वहां से निकलकर और हैचेट से मार मार कर जिम के दो टुकड़े कर देता है। तभी शैनन वहां से निकलने की कोशिश करती है और विक्टर काउली उसे भी पकड़ के बुरी तरीके से मार देता है। गाइस सच में सीन काफ़ी डिस्टर्बिंग है। उसे देखकर सब लोग तो भाग जाते हैं लेकिन मैरी बेथ उसे शूट करने लगती है और जैसे ही विक्टर काउली उसके पास बढ़ता है वो उसे गोली चलाकर नीचे गिरा देती है और वो भी वहाँ से भाग जाती है। फिर वो सब फिर से मिल जाते हैं लेकिन उनके साथ डग नहीं था। डग अकेला ही भागते भागते विक्टर से टकरा जाता है और विक्टर काउली गर्दन मरोड़ के उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन घूम फिर कर वो फिर से उस घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तब मैरी बेथ कुछ हथियार ढूंढने उस घर में जाती है और उसके साथ बेन भी जाता है और वहीं पर मैरी बेथ को उसके फादर और उसके भाई की डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें देखकर उसका बुरा हाल हो जाता है। इतने दर्दनाक तरीके से देखकर वो बहुत रोती है। दूसरी तरफ उनको झाड़ियों में से किसी की आवाज़ आती है, तब मार्कस चेक करता है तो वो एक जानवर निकलता है। तब वो बेफिक्र हो जाते हैं और तभी विक्टर काउली वहाँ आकर मॉडल जेना को पकड़ लेता है और वो बेल्ट सेंडर मशीन उसके मुंह पे चला देता है। उसे देखकर मैरी बेथ का खून खौल जाता है। वो अपने कंट्रोल से बाहर होकर उस पर अटैक कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर बेन मैरी बेथ को खींच कर वहाँ से ले जाता है और मौके का फ़ायदा उठाकर एंड्रू क्राउली को मारने लगता है, लेकिन क्राउली बड़े बेरहमी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है और बहुत दर्दनाक तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है। जैना में अभी थोड़ी बहुत सांसें बाकी थी लेकिन क्राउली उसे भी ज़िंदा रहने का मौका नहीं देता। वो उसे भी बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। अब तक उन्हें पता चल चुका था कि वो यहाँ से बचकर बाहर नहीं जा सकते और इसीलिए वो क्राउली को मारने का प्लान बनाते हैं। तब बेन बताता है कि उसने क्राउली के घर में फ्यूल के कंटेनर्स देखे थे और उसकी मदद से वो लोग उसे जलाकर मार सकते हैं। वो सब उसके घर की तरफ बढ़ते हैं। बाहर मार्कस और मैरी बेथ विक्टर क्राउली का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान बेन वहाँ पर फ्यूल ढूंढता है। दूसरी तरफ मॉडल मिस्टी बाहर पहरा दे रही होती है। बेन को फ्यूल तो मिल जाता है लेकिन तभी मिस्टी के पार्ट्स उस पर आकर गिरने लगते हैं और तब वो देखता है कि क्राउली उसके सामने आ चुका है। क्राउली उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी मैरी बेथ पीछे से उसे मारते हुए पकड़ लेती है और इसी दौरान बेन उस पर फ्यूल छिड़क देता है और वो लोग वहाँ पर आग लगा देते हैं और विक्टर क्राउली जलने लगता है। यहाँ पर उन लोगों की किस्मत फिर से पलट जाती है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि किस्मत विक्टर काउली का कुछ ज़्यादा ही साथ दे रही थी कि तभी वहाँ पर बारिश हो जाती है और सारी आग बुझ जाती है। ये देखकर वो लोग अपना अंजाम जान चुके थे और भागते भागते कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं। उन्हें कब्रिस्तान का गेट मिल जाता है लेकिन बदकिस्मती से सामने से क्राउली आ जाता है। वो लोग जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन क्राउली मार्कस को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह जकड़ के उसकी बॉडी की एक एक हड्डी तोड़ देता है। बेन अपने बेस्ट फ्रेंड को मरता हुआ देखकर काफ़ी अपसेट तो हो जाता है लेकिन अफसोस उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। तब मैरी बेथ उसे लेकर कब्रिस्तान से बाहर निकल जाती है। तब क्राउली गेट का सरिया निकाल कर उन लोग की तरफ फेंकता है जो सीधा जाके बेन के पैर में लग जाता है और अब वो अपने मौत के बिल्कुल सामने थे। क्राउली भाग कर उन लोग की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन यहाँ पर बेन एक समझदारी करता है
वो सरिया निकालने के बजाय विक्टर क्राउली की तरफ मोड़ देता है, जो सीधा जाके उसके छाती में घुस जाता है। वो दोनों वहाँ से निकल कर आगे बढ़ते हैं, तब मैरी बेथ को उसके फादर की बोट मिल जाती है। वो दोनों बोट में बैठ कर वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो लोग क्राउली से बच गए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों बड़े आराम सुकून से वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी विक्टर क्राउली मैरी बेथ को पानी में खींच लेता है। वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और तभी उसे पानी में बेन का हाथ नज़र आता है। तब वो उसका हाथ पकड़कर पानी के ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी वो देखती है कि क्राउली ने बेन का हाथ काट कर खुद ही पकड़ रखा था और वो लोग काफ़ी मुश्किल में थे। क्राउली अब उसे भी पकड़ लेता है, जिस पर मैरी बेथ काफ़ी चीखती चिल्लाती है और इसके चीखों के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। सेकेंड पार्ट में इसके आगे की स्टोरी दिखाई गई है। अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ तो आपको सेकेंड पार्ट का वेट करना होगा। और हाँ, सेकेंड पार्ट बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑल पे कर दूँ, ताकि जब भी मैंने अपना नया वीडियो डाला तो आपको उसका अपडेट सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट।